सो हर हर महादेव दोस्तों, मैं नीरज शर्मा बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है क्योंकि मैं आया हूँ अपने मामू के घर, और क्योंकि इनके पास पार्टी है आज, मेरे मामू के पास ना लड़का हुआ है, तो उनकी तरफ से जो मतलब यानी कि जहाँ से मेरी मम्मी है, ठीक है, उनके घर वालों की तरफ से दोस्तों एक चीज़ होती है, एक परंपरा होती है, उसको बोलते हैं सोईतू, यानी कि वो खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आइट में लेके आती है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले, करीब करीब 70 से 80 लोग, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों छोटू? यस सब्सक्राइब। यहाँ ये बढ़ चुका है रश, यहाँ पे बहुत सारे लोग और भी आ चुके हैं फिलहाल, और वो जो लोग आने वाले हैं वो आने वाले हैं इस साइड से। तो भाई ये आते हुए लोग जो कि एक पहाड़ी परंपरा होती है सोईतू कह रहे थे इसको। भाई यहाँ पे पहली बार मैंने ऐसी परंपरा देखी है, तो यहाँ पे एंट्री लेते हुए, हालांकि इतना व्यू जो है क्लियर नहीं आ पा रहा है। या, ना सास फिर। भाई ये देखिए आप, चलती ट्रेडिशनल कल्चर के अकॉर्डिंग राशि, जो कि स्पेशली हिमाचल की आन बान और शान है, लगभग हर इसमें लगती है। कोई भी छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी सेलिब्रेशन हो तो कुछ इस प्रकार से राशि इत्यादि वगैरह लगा दी जाती है। और ये जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे मामा उनको लड़का हुआ है, तो
वहाँ से जहाँ से मेरी मामा ने शादी करी है उनकी तरफ से इतने सारे लोग यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। सो भाई जो भी मैं आपको पार्ट दिखाने वाला हूँ उसको आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशनल कल्चर के अकॉर्डिंग सारे पार्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर मैं आपको पूरे पार्ट्स दिखाता हूँ तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी रहने वाली है, इसलिए मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। सो जितने भी पार्ट्स होंगे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। भाई ये जो नाटी लगाने का जो प्रोसेस था वो कुछ इसी प्रकार से चलता रहा रात भर ट्रेडिशनल कल्चर के अकॉर्डिंग। सो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है और यहाँ पे जितनी भी गांव की महिलाएं होती है वो कुछ इस प्रकार से बधाइयां देने आ जाती है।